स्टफ गट्टे, यानी गट्टे वो भी भरवा। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेसन 250 ग्राम, 150 ग्राम दही, 2 मीडियम साइज के टमाटर पिसे हुए, 1 मीडियम साइज का ऑनियन यानी प्याज बारीक कटा हुआ, ये 1 तेज पत्ता है साबुत गरम मसाले में जो आता है, ये बड़ी इलायची और 2 लौंग। ये कसूरी मेथी है, ये आपको ड्राई मार्केट में मिल जाती है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। ये 25 ग्राम काजू है जिनका मैंने पतला पेस्ट बना रखा है। ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इनका मैंने पेस्ट बना के रखा है। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, इसको मैंने क्रश किया हुआ है, यानी बिना पानी के मिक्सी में हल्का सा सिर्फ एक घुमाया है इसको, ये हम फिलिंग के लिए काम में लेंगे। ये भुरभुरा है, बिना पानी के हमने इसको मिक्सी में किया है, ठीक है। इसके लिए अब आपको नमक चाहिए स्वाद अनुसार, पिसी हुई लाल मिर्च स्वाद अनुसार, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। सबसे पहले हम करेंगे गट्टे बनाने की प्रिपरेशन। ये बेसन है, इस बेसन के अंदर हम नमक स्वाद अनुसार, पिसी हुई लाल मिर्च स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक छोटा चम्मच ऑयल देंगे, ये ऑयल लिया है। अब इसको हम पानी की सहायता से इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बेसन ज्यादा पानी नहीं लेता है, इसलिए वो बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालिए। गट्टे के लिए है, ये आटा गूंथ लिया है इसका बेसन का, ठीक है। ये हल्का लगता है हाथों पे, तो आप इसको गूंथने के बाद में अपने हाथ धो लीजिए और उसके बाद में हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के फिर अपने गट्टे स्टफ करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे ही बन गया है, आटा हमने गूंथ दिया है इसका, हम हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाएंगे क्योंकि बेसन हाथ पे चिपकता है, इसलिए स्टफिंग की है, इसको हम बंद कर देंगे, ऐसे हल्का सा पानी निकलता है, कोई नहीं है बेसन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये खुलेगा नहीं। ऐसे करके आप सारे गट्टे फिल करके बना के रख लीजिए। ऐसे गड्ढा सा करके आप चाहो तो पानी को हल्का सा इसके अंदर ही आप प्रेस करके निकाल दें, ठीक है, और ये स्टफिंग इसमें डालें, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे ये बंद कर दें, पहले इसको बंद कर देना है,
फिर आप इसको वापस से शेप दे सकते हैं। ये बंद हो गया पूरा, अब आप इसको वापस से शेप दे दीजिए। ये गट्टे बना रहे तब तक हम इसमें पानी भी गर्म कर लेते हैं, ताकि पानी गर्म हो जाएगा तब तक गट्टे तैयार होंगे अपने। पानी गर्म होने को रख दिया है हमने, ये गट्टे मैंने फिल करके तैयार कर लिए। ये देखिए आपका पानी भी बॉईल हो गया है, अब इसमें हम ये गट्टे डाल देंगे। गट्टे बॉईल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, 3 से 4 मिनट हम उसको बॉईल, ये ऊपर आ जाएंगे तो आप समझ लेना कि 4 से 5 मिनट तो हमको पकाना ही पड़ता है। 5 मिनट आप पका लीजिए इसको बॉईल करके। ये देखिए ये जैसे जैसे पकेंगे वैसे वैसे ऊपर आते रहेंगे। इसको आप ढक दीजिए। गट्टों को कभी भी ठंडे पानी में नहीं डालना है, पानी बॉईल होने लगे उसके बाद ही आपको गट्टे उसमें डालने हैं, क्योंकि अगर आपने ठंडे पानी में गट्टे डाल दिए तो बेसन उसमें गल जाएगा। जैसे पानी बॉईल होता है उस समय आपको गट्टे उसमें डालने हैं, और ये ऊपर आ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके गट्टे हो चुके हैं। ये देखिए गट्टे सारे ऊपर आ गए, आप इसको बंद कर दीजिए और इन गट्टों को आप निकाल लीजिए। अब जब हमने गट्टे बॉईल करके निकाल लिए हैं, ये बॉईल हो चुके हैं अपने, इनको हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत कम तेल में ही अब ये देखिए तेल आपका गर्म हो गया है, हम इसमें ये डाल देंगे धीरे धीरे। तेज आंच पे करना है ताकि जो इसका बाहर का कवर है ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर ले, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तेज आंच पे इसको हिलाते रहिए। ये देखिए ये आपके गट्टे ऐसे हिलाते रहना है, कंटिन्यूस हिलाते रहना है इनको, ये आपके फ्राई हो फ्राई होती हैं, हो चुके हैं। देखिए ये आपको सिका हुआ दिख रहा है इनका, अब आप बंद कर दीजिए इसको। इसमें हम 1 चम्मच तेल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे इसकी, इसके लिए हमने तेल डाला है इसके अंदर 1 चम्मच। तेल गर्म होने पे आप इसमें ये तेज पत्ता, ये बड़ी इलायची और ये लौंग डाल दीजिए। इसके बाद इसमें आप ये प्याज डाल दीजिए।
प्याज को आप गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। ये आपके प्याज पक रहे हैं, तब तक हम दही के अंदर नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, हल्दी आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर दो छोटे चम्मच और ये आधा काजू का पेस्ट में मिक्स कर दीजिए, आधा रहने दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़े से वो और हो जाए गोल्डन ब्राउन, प्याज आपके गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, मसाला अच्छे से पक जाए। ये दो से तीन मिनट पकाना है इसको, ये पक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ये दही की ग्रेवी डालेंगे। देखिए छोटे छोटे मसाले में ये दही की ग्रेवी तेज आंच पे डालनी है, आंच कम नहीं करनी है। अभी आपको इसको आपको कंटिन्यूस हिलाना है लाते रहिए आप कंटिन्यूअसली दो से तीन मिनट। इसको आपको अच्छा पकाना है क्योंकि अगर दही कच्चा रह जाता है तो वो पानी को और सब्जी को अलग कर देता है, इसलिए दही को आप अच्छे से पकने दीजिए जब तक कि पूरा तेल ऊपर नहीं आ जाए। वैसे हमने तेल ज़्यादा नहीं डाला है, ज़्यादा नहीं आएगा, पर फिर भी जो थोड़ा वो तेल है वो ऊपर आपको दिखना चाहिए। ये देखिए आप तेल आपको हल्का हल्का ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका मसाला तैयार हो गया है। मसाला तैयार है आपका। अब हम इसमें टमाटर की जो हमने क्यूबी बनाई थी पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम दो से तीन मिनट और पकाएंगे ताकि टमाटर का जो कच्चा कच्चा स्वाद है वो निकल जाए। अब आप इसको थोड़ी देर ढक के पका लीजिए ताकि ये जो छींटे हैं ये इतने उड़े नहीं और आपकी चीज भी जल्दी पक जाए। ये देखिए ये आपका टमाटर वाली ग्रेवी पक चुकी है। थोड़ा सा इसमें हम ये एक बाउल पानी डालेंगे जिसमें हमने दही और पेस्ट बनाया था, दही का टमाटर का पेस्ट था उसी के अंदर हमने पानी डाल दिया है। पानी डाल के क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा इसलिए डालेगा क्योंकि गट्टे हैं बेसन के तो वो पानी को सोखेंगे, तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब इसको एक से दो बॉईल आने चाहिए, तब तक हम छोटा देते हैं ताकि ये फास्ट थोड़ा सा बॉईल हो जाए। ये पानी बॉईल हो गया है, अब आप इसमें गट्टे डाल दीजिए, गट्टे डाल दीजिए इसके अंदर और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी
थोड़ी सी रख लीजिए गार्निशिंग के लिए। ये इसका ये काजू का पेस्ट इतना सा और रख लीजिए, ये भी गार्निशिंग के लिए हमने रख दिया है। इसको 2 मिनट सिम आंच पे आप 2 मिनट पकने दीजिए ढक के, आंच कम कर दीजिए, 2 से 3 मिनट इसको पक लेते हैं। हमने ये देखिए सब्जी आपकी तैयार है। हमने गट्टे डालने के बाद में इसको 5 मिनट पकाया है क्योंकि ये तेल ऊपर नहीं आ रहा था और पक नहीं रही थी, इसलिए कम से कम 5 मिनट लग गए इसको पकने में। ये अब सब्जी आपकी तैयार है, देख लीजिए आप, ऐसे दिखेगी आपकी सब्जी। हम इसको गैस को बंद करते हैं। काजू का जो पेस्ट थोड़ा सा बचा के रखा था इसको गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, आप इसकी जगह धनिया भी यूज में ले सकते हैं, पर स्टफ गट्टे के अंदर कसूरी मेथी मेरे को ज्यादा पसंद है, आप देख लीजिए। ये आपकी स्टफ गट्टा जो है ये तैयार है, आप ट्राई करिए इसे, और अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।